हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आप सभी को पता होगा हॉस्टन वार्डन के लिए कंप्यूटर का सेशन कवर कराया जा रहा है। ठीक है जी, हॉस्टन वार्डन में इसके जो है 21 पार्ट इसके अपलोड हो चुके हैं, हमारा 22वां पार्ट है। ठीक है जी, आप सभी को पता होगी 500 इसके MCQ कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, जिसमें 445 क्वेश्चन पिछले सेशन में 21 पार्ट में कवर करा दिया था। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, बैंक के साथ साथ आपका SSC CGL वगैरह का आप जो है तैयारी कर रहे होंगे। ठीक, कंप्यूटर का सिलेबस जो भी आपको एग्जाम में दुआ है, चाहे भारत हो, कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो। ठीक है, स्पेशली हॉस्टन वार्डन के लिए इसको चलाई जा रही है, क्योंकि आपको 30 नंबर से यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा। ठीक है, आप 30 नंबर में 15 नंबर भी नहीं लाते हैं तो आपका पेपर वहीं से आप जो है डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसी बेस जो है सेशन को चलाई जा रही है। ठीक है जी, तो इसलिए यहाँ पे जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। ठीक है जी, बाकी आप समझदार हो। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। भारत के कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा कर देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, चाहे बैंक वगैरह हो गए, पटवारी, SSC और बैंक वगैरह, जो भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में देखे थे, पिछले सेशन 445 क्वेश्चन, इसका प्रयोग करें जब आप शिफ्ट कुंजी का उपयोग करें बिना सभी अक्षरों को जो है बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो है कैप्स लॉक कुंजी, इसका जो प्रयोग करेंगे। ठीक है, जिसमें सभी अक्षरों को जो है बड़ा इसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो कैप्स लॉक कुंजी इसका जो है यहाँ पे जो है अक्षरों को बड़ा बनाने की इसको उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक जी, इसका जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप यहाँ से हम आगे बढ़ें, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, 446 क्वेश्चन, खाली स्थान एक प्रोग्राम है जो फिजिकली एक चिप पर लगा होता है। ठीक है, तो खाली स्थान एक प्रोग्राम है जो फिजिकली एक चिप पर लगा होता है, तो इसको जो है फर्मवेयर बोलते हैं। ठीक है, तो फर्मवेयर एक जो है प्रोग्राम है। ठीक है, यहाँ पे फर्मवेयर आ जाएगा, ये एक प्रोग्राम है जो फिजिकली एक चिप इसमें जो है लगा होता है, तो इसका जो है फर्मवेयर इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 447 क्वेश्चन है, मेमोरी के प्रकार जिसमें निरंतर बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो मेमोरी का कौन सा प्रकार है जिसमें निरंतर बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए, जो है जरूरी, बहुत ज़रूरी। तो आपका जो यहाँ पे HDRAM, याद रखिए HDRAM एक जो है मेमोरी के प्रकार है। ठीक है जी, यहाँ पे PROM, ROM, EPROM जो है ये सभी जो है मेमोरी के प्रकार हैं जी। HDRAM जो है मेमोरी के जो है प्रकार है जिसमें निरंतर जो है, ठीक है, 24 घंटे बिजली की आपूर्ति इसमें जो है होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 448 क्वेश्चन है, किस प्रकार की ई वाणिज्य का इस्तेमाल होता है जब एक छात्र Dell.com से कंप्यूटर खरीदता है, B2B, C2C, B2E, B2C या इनमें से कोई नहीं। इसका चौथा ऑप्शन B2C याद रखिएगा, तो ये ई वाणिज्य के इस्तेमाल होता है ये B2C। ठीक है, एक छात्र Dell.com से कंप्यूटर खरीदता है। ठीक है, तो B2C ये जो है चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ई वाणिज्य के क्षेत्र में इसका जो है इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन देखो, 449 क्वेश्चन है, खाली स्थान वेब पेज लेखन की मूल लैंग्वेज है। ठीक है जी, तो जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, नॉन स्टैंडर्ड जो है जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको HTML भी बोलते हैं। ठीक है, इससे कई बार फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, तो फुल फॉर्म आपको इस सभी का पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये जो है पेज लेखन के मूल लैंग्वेज है। ठीक है, चौथा ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कंप्लीट 450 क्वेश्चन हो जाएगा, 50 क्वेश्चन और बच जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कंप्लीट 500 हो जाएगा। जब तक आपके एग्जाम नहीं होता है तब तक यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो टोपोलॉजी, ठीक है, टोपोलॉजी जहाँ सभी नोड्स एक वृत्तक और तारों की व्यवस्था में जुड़े होते हैं, इसको खाली स्थान कहा जाता है। स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी, या रिंग टोपोलॉजी, या इनमें से कोई नहीं। इसका चौथा ऑप्शन रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, तो ये जो है टोपोलॉजी के प्रकार है, रिंग टोपोलॉजी, ये सभी स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी, ये सभी जो है टोपोलॉजी। ठीक है, इसके अलग अलग वर्ग होते हैं। ठीक है, जहाँ नोड्स एक वृत्ताकार तारों की व्यवस्था से जुड़े होते हैं, इसको जो है रिंग टोपोलॉजी बोला जाता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 451 क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क की जो परफॉर्मेंस में खाली स्थान का उपयोग करके सुधार किया जा सकता है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, डिस्क डकैश,
सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस फ्लैश मेमोरी रीडर या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्क कैश। याद रखिएगा, तो हार्ड डिस्क के जो परफॉर्मेंस में जो है डिस्क कैश का जो उपयोग करके सुधार किया जा सकता है, तो इसका डिस्क कैश सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 452 क्वेश्चन है। कौन जो है सिस्टम यूनिट की एक विशेषता नहीं है, तो बढ़ते आंतरिक उपकरणों के लिए एक मजबूत फ्रेम प्रदान करना है। सेकेंड है सिस्टम अपग्रेड के लिए जगह उपलब्ध कराता है। बाइनरी नंबर के रूप में डाटा का रिप्रेजेंटेशन करता है। या चौथा इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए जो यहाँ पे जो है कनेक्टर्स की व्यवस्था करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। सिस्टम यूनिट की एक विशेषता कौन सी नहीं है, तो ये जो है बाइनरी नंबर के रूप में डाटा का रिप्रेजेंटेशन जो है करता है, ये जो है आपका जो है ये विशेषता नहीं है किसकी, सिस्टम यूनिट का। ठीक है, बाकी 1, 2, 4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। 453 क्वेश्चन है। कहाँ पर एडिटिंग ग्रुप और रिप्लेस कमांड पाया जाता है। इंसर्ट टैब पर, रिव्यू टैब पर, व्यू टैब पर, होम टैब पर, या इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर एडिटिंग ग्रुप और रिप्लेस कमांड पाया जाता है, तो होम टैब पर। याद रखिए, होम टैब पर जो है एडिटिंग ग्रुप और रिप्लेस कमांड ये जो है पाई जाती है। ठीक है जी, चौथा ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 454 क्वेश्चन है। कौन सा जो फंक्शन रो डाटा में, ठीक है, कौन सा फंक्शन रो डाटा में कॉलम या कॉलम डाटा को रो डाटा प्रदर्शित करता है। हाइपरलिंक, इंडेक्स, आपके ट्रांसपोज रो, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसपोज, इसका जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर। ये जो फंक्शन रो डाटा में कॉलम या कॉलम डाटा में रो डाटा प्रदर्शित करता है, ये जो है ट्रांसपोज है, और मतलब जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 455 क्वेश्चन है। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर में रो तथा कॉलम होते हैं, ठीक है, तो कौन से प्रकार के सॉफ्टवेयर में या आपका रो और कॉलम होते हैं। ठीक है जी, तो ड्राइंग, स्प्रेडशीट, डाटाबेस, वर्ड प्रोसेसिंग, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्प्रेडशीट। याद रखिएगा, तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर में रो और कॉलम होते हैं, तो इसका जो है सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 456 क्वेश्चन है। स्टोरेज और इन्फॉर्मेशन की पुनर्प्राप्ति का आयोजन के लिए सॉफ्टवेयर कौन सा है। स्टोरेज और इन्फॉर्मेशन की पुनर्प्राप्ति के लिए सॉफ्टवेयर कौन सा जो है इसके लिए आयोजन के लिए सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटाबेस, डाटाबेस प्रोग्राम, डाटा वेयर हाउस, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन डाटाबेस प्रोग्राम, ये जो है इसके जो मतलब जो स्टोरेज और इन्फॉर्मेशन की पुनर्प्राप्ति के लिए जो है ये जो है डाटाबेस प्रोग्राम का जो है आयोजन के लिए सॉफ्टवेयर है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। सेंटेंस है, ठीक है जी, टाइपिंग मिस्टेक है। सेंटेंस के बीच में एक वर्ड डालने के लिए खाली स्थान, ठीक है, तो सेंटेंस के बीच में एक वर्ड डालने के लिए जो है वाक्य में इच्छित स्थान पर कर्सर ले जाएं और नया वर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 458 है। एक उच्च गति संचरण लाइन जो जिसको वेन बोलते हैं, इसको जो है वेन का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो खास करके जो नेटवर्क यहाँ पे जो है मतलब उच्च गति संचरण लाइन के लिए इसका जो प्रयोग करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, बड़े जगह के लिए मतलब बड़ी मतलब जो दूरी के लिए इसको प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, ट्रैफिक वहन करती है, खाली स्थान कहलाती है, तो X.25 लाइन, P2PN, बैकबोन, या पाप, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो है P2PN इसका जो है सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है, वाइड एरिया नेटवर्क इसको जो है बोला जाता है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। एक DVD, ठीक है, DVD का फुल फॉर्म क्या होता है जी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क बोलते हैं। ठीक है जी, तो एक DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क का एक उदाहरण कौन सा है। हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, आउटपुट डिवाइस, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस, या इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, एक DVD जो है ऑप्टिकल डिस्क के जो एक उदाहरण है, ठीक है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क बोलते हैं, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 460 क्वेश्चन है। एक टाइम में एक फर्म के सभी ट्रांसैक्शन ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग कहलाते हैं। डाटाबेस मैनेजिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग, रियल टाइम सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन बैच प्रोसेसिंग। ठीक, तो एक टाइम में एक फर्म के सभी जो ट्रांजैक्शन ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग जो है बैच प्रोसेसिंग कहलाते हैं। ठीक है जी, इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 461 क्वेश्चन है। सेमीकंडक्टर, ठीक है जी, सेमीकंडक्टर मेमोरी को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। रैम, रोम, पी रोम, ईपी रोम, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रैम। ठीक है, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर मेमोरी इसको जो है रैम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से इसको जो है जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 462 क्वेश्चन है। ठीक है जी, इंटरनेट पर
हर कंप्यूटर खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, होस्ट, ग्राहक, मॉडेम, सर्वर या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इंटरनेट पर हर कंप्यूटर को किस रूप में जाना जाता है, तो इसको जो है होस्ट के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर जो है होस्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो इंटरनेट पर हर कंप्यूटर होस्ट के रूप में यहाँ पर जाना जाता है, इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है होस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 463 क्वेश्चन है, एक स्पाइरल, ठीक है, एक स्पाइरल आकार का ट्रैक फॉर्मेट खाली स्थान में मौजूद होता है, फ्लॉपी डिस्क में, ऑप्टिकल डिस्क में, हार्ड डिस्क में, आधा इंच टेप कार्टिज में या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो एक स्पाइरल आकार का जो ट्रैक फॉर्मेट में खाली स्थान में मौजूद होता है, तो ये जो है ऑप्टिकल डिस्क में, ठीक है। तो ये जो कहाँ पे होता है मौजूद होता है, तो ऑप्टिकल डिस्क में जो है मौजूद होता है, ठीक है जी। सेकेंड ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 464 क्वेश्चन है, खाली स्थान का प्रकार वायरस रैम मेमोरी में स्थायी रूप से जो है रहता है, तो ये रेसिडेंट, फाइल, इन्फेक्टर, वायरस बूट, मैक्रो वायरस या इनमें से कोई नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेसिडेंट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी। तो रेसिडेंट प्रकार का वायरस रैम मेमोरी में स्थायी रूप से रहता है, ठीक है। तो रेसिडेंट यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन, रेसिडेंट प्रकार का वायरस रैम मेमोरी में जो है स्थायी रूप से रहता है, तो इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। 465 क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रुपों में कौन सा जो ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है, यह मतलब ग्राफिक जो है फाइल के लिए जो कौन सा फाइल बना होता है, देखेंगे ग्राफिकल आपके फ़ोन कंप्यूटर में जो आपका जो है फाइल बना होता है, ठीक है। यहाँ पे म्यूजिक के लिए अलग बनते हैं, जो डाउनलोड फाइल करते हैं उसके लिए अलग, पिक्चर के लिए अलग, म्यूजिक के लिए अलग, आप देखेंगे अलग अलग जो फाइल, उसी तरह जो ग्राफिक जो फाइल होते हैं, जो इसका एक्सटेंशन कौन सा होता है, तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा, JPG, ठीक है, और यहाँ पर GIF और यहाँ पे BMP, ठीक है, ये जो है ग्राफिक फाइल एक्सटेंशन है, JPG, GIF और BMP, ठीक है। इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है ग्रुप में कौन सा ग्राफिकल जो फाइल एक्सटेंशन है, JPG, GIF और BMP, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं, कैसे लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन और कंटेंट आपको जो है प्रोवाइड किया जाता है, सभी आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है जी। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हैं, यहाँ से आपको जो है बैंक के एग्जाम में, चाहे SBI हो, RBI हो, कहीं से भी पेपर क्वेश्चन उठाकर देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन यहाँ से आपको जो है देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो जल्द हम यहाँ पे 500 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है जी। और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको जो है शेयर कर सकते हैं, ताकि उन लोग भी जो मतलब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं 500 MCQ लगाना, ठीक है जी। तो चलिए बाकी आप समझदार हो, आज के सेशन यही तक रख दें, ठीक है। जैसे 500 का MCQ ख़त्म होता है, यहाँ पे फिर यहाँ पे जो है आपको बेटर से बेटर कंटेंट देने की कोशिश करूँ, ताकि आपका जो है एग्ज़ाम सितंबर तक आप इतना क्वेश्चन कर लेंगे तो आप जो है कंप्यूटर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। टारगेट हम पूरा 30 में 30 लाएंगे, इसी बेस पे जो है आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, ठीक है जी। तो चलिए आज के सेशन हम यही तक रखते हैं, थैंक यू।